लाइन हो गया, रेल लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ठीक है। मल्टी लाइन देखो क्या है, एक साथ अपन को दो लाइन खींचनी है, तीन लाइन खींचनी, चार लाइन खींचनी है, तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन का बाई डिफ़ॉल्ट इसमें दो लाइन आएगी अभी, ठीक है। क्लिक किया, दो लाइन एक साथ चल रही है, ठीक है। और ऑन कर दिया तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। क्लियर, क्लोज कर दिया, ठीक। इसमें देखो और क्या ऑप्शन है, अभी देखो यहाँ पे तीन चीज़ लिखी आ रही है, जस्टिफिकेशन टॉप स्केल वन स्टैंडर्ड, ठीक है। जस्टिफिकेशन टॉप का क्या मतलब है, जैसे अभी इधर मैंने किया इसको और मैंने सपोज लिखा 10, ठीक है। अगर मैं इतना ही बनाऊँ तो दोनों लाइन 10 की बनेगी, हाँ ना। बट मैंने अगर इसको यूँ मोड़ लिया तो अब इसमें से कौन सी 10 की, बड़ी वाली या छोटी वाली, हाँ वो तो बता दी। तो वो अपन को देखना है, ये मैंने फिर 10 लिखा, ये मैंने फिर इधर 10 लिखा, और ये इधर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगर वहाँ क्लिक कर दोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, फिर ट्रिम करना पड़ेगा अपन, हाँ। इसलिए अपन क्लोज कर, ठीक है। अब अपन ना जस्टिफिकेशन इसमें क्या था, टॉप था, टॉप, इसलिए अभी आपने जो भी 10 डाला है वो टॉप की डायमेंशन है, मतलब ये वाली डायमेंशन 10, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनेगी ये पूरा। जस्टिफिकेशन में गया मैं, जस्टिफिकेशन मैंने सपोज बॉटम कर दी, अब मैंने 10 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 10 लिखा, क्लोज कर दिया। अब देखो बड़ा बना इससे, बड़ा क्यों बना, क्योंकि इस बार अंदर वाली लाइन आपकी 10 की है, ठीक है। दोनों के बीच में एक एक का गैप है, तो बाहर वाली आपकी 12 की होगी, ठीक है। इसमें अंदर वाली 8 की होगी, बाहर वाली 10 की होगी, ये डिस्टेंस ये एक है, एक ही, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं, अब इसमें एक और आ रहा है जस्टिफिकेशन में 0, ठीक है। मतलब आपको सेंटर टू सेंटर 10 चाहिए मान लो, हाँ। ठीक है, तो 0 कर दो, अब बनाओ 10, इसमें आपकी सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन सेंटर लाइन 10, ठीक है। तो ये 9 की हो गई और ये 11 की, क्लियर। इससे ये सबसे छोटा ये बना, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, ठीक है। हाँ मान लो तुम्हें को दो ही लाइन चाहिए, लेकिन दो की लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज करनी है, ठीक है। अभी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, हाँ। तो मेरे को ज़्यादा करनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, स्केल बढ़ा सकते हैं। अगर स्केल 2 कर दूंगा तो दोनों बीच का गैप 2 हो जाएगा, 3 कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टाइल जो है इसकी स्टैंडर्ड लिखी हुई आ रही थी, स्टैंडर्ड स्टाइल मतलब क्या है कि इसमें चेंज मुझे करना है, मुझे 3 लाइन चाहिए, 2 नहीं चाहिए, मुझे 4 लाइन चाहिए, ठीक है। एक काली चाहिए, एक नीली चाहिए, ऐसे चाहिए, एक सेंटर लाइन चाहिए, एक मिडल लाइन चाहिए, ठीक है। तो वो अपन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पे मल्टी लाइन स्टाइल, ठीक है। स्टैंडर्ड में ही चेंज करना है तो डायरेक्ट मॉडिफाई कर दो, और अगर कोई नई स्टाइल बनानी हो तो न्यू कर सकते हो, ठीक है। इसी में मॉडिफाई करते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या है कि अपन को लाइन बढ़ानी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 जितनी लाइन अपन को चाहिए, तो यहाँ पर आ रही, देखो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने आ रहे, 2 आ रहे, ठीक है। एक का ऑफसेट प्लस में, एक का ऑफसेट माइनस में, वो इसलिए है क्योंकि आप 0 भी तो लोगे ना इसमें, एक बार अगर आपने जस्टिफिकेशन 0 लिया है तो उस हिसाब से। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऑफसेट प्लस में तो सारी अवेलेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो क्या होगा, 0 को वो सबसे नीचे रखेगा और उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम बनाओगे तो 0 से तुम सोचोगे कि आधी लाइन ऊपर बन रही होगी, आधी नीचे, जबकि ऐसा नहीं होगा। तुमने अगर सारा ऑफसेट प्लस में दिया तो सारी लाइन उसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक ऑफसेट आपका प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। मुझे इसमें 3 लाइन करनी है सपोज, तो मैंने जैसे ही इसमें ऐड पे क्लिक किया, एक लाइन और ऐड हो गई, इसका जस्टिफिकेशन सॉरी उसका ऑफसेट कितना आ गया, 0, 3 लाइन हो गई, 0 और 0.5 नीचे माइनस 0.5, ठीक है। उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर चौथी लाइन भी ऐड करता हूँ, तो 4 लाइन आ गई अब, ठीक है। लेकिन 2 का 0 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे चेंज करना है, क्या चेंज करूँगा मैं, सपोज इस पर क्लिक किया, इसका मैंने कर दिया मान लो 1 घटेगा, ठीक है।
इसका सेलेक्ट किया, इसका मैंने कर दिया 0.5, ठीक है। फिर तीसरी सेलेक्ट की, उसका मैंने 0 रखा, और चौथी का मैंने -0.5 ही रहने दिया, ठीक है। कलर वगैरह ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मान लो प्लस वन वाली में मुझे कुछ अलग कलर करना है, ठीक है, उसका कलर दे सकता हूँ, उसका लाइन टाइप चेंज करना है, लाइन टाइप चेंज कर सकता हूँ। नहीं आ रहा तो पहले अपन लोड करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर दूसरी का चेंज करना, दूसरे पे क्लिक करो, कलर लाइन टाइप चेंज, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ इसमें बीच वाली 0 का लाइन चेंज कलर से, शॉर्टकट इसका एम एल एंटर है, ठीक है, एल एम एम एल मल्टी लाइन है ना, एम एल, अब देखो जस्टिफिकेशन टॉप किया मैंने, ठीक है, और इस लाइन पे क्लिक कर दिया ऐसे, क्या ऐसे, तो क्या होगा जो टॉप वाली लाइन है वो उसके ऊपर बनेगी, ठीक है ना। हाँ, वो हमारी जो लाइन, जो लाइन थी उसके ऊपर टॉप वाली लाइन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर नीचे बन रही है सारी, ठीक है। एम एल एंटर, जस्टिफिकेशन मैंने 0 कर दिया, ठीक है। 0 कौन सी थी अपनी, ग्रीन लाइन थी, ग्रीन लाइन, देखो ग्रीन लाइन इसके ऊपर बन रही है, बन रही है, हाँ, ठीक है। ग्रीन लाइन से ऊपर दो लाइन थी, प्लस 0.5 और प्लस 1, प्लस 0.5 और 1, ठीक है। इसके नीचे डाले -0.5, ठीक है। एम एल एंटर, जस्टिफिकेशन बॉटम कर दिया, तो सबसे नीचे वाली लाइन इसको, ठीक है, नीचे वाली लाइन, किसी भी लाइन का ऑफसेट तो 0 तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, 0 आपको रखना ही पड़ेगा, 0 नहीं रखोगे तो देखो क्या होगा, सपोज मैंने प्लस 1 दे दिया, इसका 0.5 दे दिया, ठीक है, इसका मैंने माइनस, इसका मैंने दे दिया -0.5, और इसका दे दिया मैंने माइनस, ठीक है। ग्रीन वाली -0.5 ये ध्यान रखना। अब 0 पे कोई सी भी लाइन नहीं है, ठीक है। एम एल एंटर, जस्टिफिकेशन टॉप, टॉप में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ऊपर वाली लाइन ऊपर ही बनेगी, ठीक। बॉटम में भी कोई दिक्कत नहीं, बॉटम में भी बॉटम पे बनेगी, लेकिन 0 पे देखो क्या होता है, ना तो ये लाइन बनी, ना ये बनी, ना बनी, बीच की वाली लाइन जो है बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो उस पर बनेगा, ठीक है। अभी अभी अपन ने क्या करा है, प्लस में और माइनस में दिए भाई, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन गैप तो इनके बीच में सब में अभी बराबर बराबर ही है, 0.5 का गैप है सब में, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 1 रखा, इसको 0.5 रखा, ठीक है, इसको 1.5 कर दिया, और इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अभी भी इनके बीच में गैप तो वही है, 0.5 का ही गैप है अभी भी, है ना। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, सबसे ऊपर ऊपर वाले को कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है, ऊपर वाली रेड, लेकिन आप सारी वैल्यूज किस में, प्लस में, प्लस में। एम एल एंटर किया, जस्टिफिकेशन टॉप रखा, तो रेड वाली लाइन ऊपर आनी चाहिए, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एल एंटर किया, जस्टिफिकेशन बॉटम किया, रेड वाली लाइन सबसे ऊपर आनी चाहिए, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो 0 में क्या होता है, जस्टिफिकेशन 0 कर दिया तो भी बॉटम वाले ऐसे ही आ रही है, बॉटम वाले भी नहीं, ठीक है ना, बॉटम वाले भी नहीं है, क्योंकि बॉटम 0 हो गया, उससे ऊपर ही आपने सारा प्लस 1 प्लस सारा प्लस प्लस ही दिया, इसलिए अगर हम सारी ऑफसेट माइनस में रखते तो सारी नीचे, ठीक है, उस लाइन पे कुछ भी नहीं बना, ठीक है ना, तो वो ऑफसेट की वजह से हो रहा है, ठीक। बाकी तो ऐसे ही ऑप्शन कि जैसे आपको लास्ट में इसके कुछ बनाना है, ये देखो लाइन बनानी है,
तो स्टार्टिंग में लाइन आ जाएगी, जो ऊपर वाली लाइन होगी जो नीचे वाली लाइन होगी उसका कलर आएगा, आधा उसका कलर आएगा आधा नीचे वाली लाइन का कलर आएगा, ठीक है। एंड में भी बनानी है तो एंड में भी एक लाइन आ जाएगी, कोई काम की चीज़ें नहीं है। क्या आर्क बनानी है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आर्क आ जाएगी, अंदर की तरफ बनानी है अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इनके बीच में एंगल अभी 90 डिग्री है, ठीक है, 45 एंगल देना मैं अनु मेरे, तो इस तरह से 45 है। स्टार्ट हम कहीं और से करेंगे, बट वो जैसे स्टार्ट मैंने यहाँ से किया तो एक यहाँ से बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ से बनना चाहिए, ये वो चीज़ क्लियर। वन पर है, एक 0.5 पर है, एक 0 पर है, माइनस 0.5 पर है, माइनस, ठीक है। कलर बाकी, ठीक है, सब में कलर कर दिया, बीच वाली वाइट कलर है। देखो मान लो कुछ ट्रिम करना है इसमें से, TR एंटर किया मैंने, कुछ भी ट्रिम नहीं होगा इसमें, ठीक है, नहीं हो रहा ना, TR एंटर नहीं हो रहा। नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा, देखो इसमें TR एंटर क्लिक किया, नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा, बट ये ऑप्शन अपन को ऐसे नहीं लेने, क्या करो इस पर डबल क्लिक कर दो सीधा ही, यहीं आ जाएगा, ठीक है। फोटो समेत आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। देखो क्या है, डबल क्लिक किया किसी भी एक पर डबल क्लिक कर, ठीक है, फोटो से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़। देखो क्लोज्ड और क्रॉस, एक लाइन क्लोज हो जाएगी और एक लाइन क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो पहले जिसको सेलेक्ट करोगे वो क्लोज, ठीक है, बाद में जिसको सेलेक्ट करोगे वो क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस हो रही है वो क्लोज हो, क्लोज टी शेप, ठीक है। पहले जिसको सेलेक्ट किया वो क्लोज, बाद में जिसको सेलेक्ट किया वो टी शेप, ठीक है, वो क्लोज हो गए, ये टी शर्ट बनाएंगे। अगर इधर से क्लोज करना है इधर क्लोज, ठीक है, कॉर्नर जॉइंट ये वाला और ये कॉर्नर ही रखना है मेरे को, एल शेप रखना है बस, ये वाला और ये वाला रखना है। एक बार इस पर क्लिक किया, ठीक है, कट सिंगल, किसी एक को काटना है मान लो, सपोज इसको काटना है, अगर कोई लाइन बनी हुई है तो उसके रेफरेंस से काट सकते हैं, ठीक है, बट अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे नॉर्मली क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मुझे काटना है, जहाँ से काटना हो, जहाँ क्लिक करना अपन को वहाँ पे काट देगा, ठीक है। कट सिंगल हो गया, कट ऑल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सारी लाइन जॉइंट ऑल, ठीक है, वेड ऑल वेल्ड है, अगर कट सिंगल भी है तो भी उसको वही वेल्ड होल से वेल्ड होगा वो, ठीक है, और सारा कटा हुआ तो भी वेल्ड होल से होगा। हेलो करूँ मैं थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में करूँ, ठीक 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 है। वेल्ड ऑल से ही होगा, एक सिंगल कट है या चाहे सारे कट हो, ठीक है। ऐड वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है देखो, अभी अपन इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो दो ही जगह वर्टेक्स आएंगे, स्टार्ट में और एंड में, ठीक है, बीच में कहीं और वर्टेक्स ऐड करना है तो
एडवर्टाइज, जैसे यहाँ करना है मेरे को, ठीक है यहाँ करना है, अब क्लिक करके देखो वर्टेक्स ऐड होगा। इसका फ़ायदा क्या, अपन इसको आप स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना वर्टेक्स को, डबल क्लिक किया वापस, डिलीट वर्टेक्स, डिलीट वर्टेक्स, ये वाला डिलीट करना है, ठीक है ये वाला भी डिलीट करना है, ठीक है। ये क्लोज टी था, ये ओपन टी है, ठीक है, ये ओपन ओपन और ये टी, ठीक है। ये मर्ज टी, ना तो पूरा क्लोज हुआ ना वो ओपन है, मर्ज हुआ, ऐसे ये क्लोज क्रॉस था, ये ओपन क्रॉस हो गया और ये तुम्हारा मर्ज क्रॉस हो गया, ठीक है। वही सेम ऑप्शन ये, एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे सारे, ठीक है। इस तरह से काम में लेता मल्टी लाइन, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई मल्टी लाइन बनी हुई, जैसे अभी ये मल्टी लाइन बनी हुई है स्टैंडर्ड स्टाइल से बनी हुई है, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि स्टैंडर्ड स्टाइल में कुछ मैं मॉडिफाई करूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर, तो मॉडिफाई नहीं करेगा, ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने कुछ बना रखा है उससे, ठीक है। कुछ नहीं बनानी है तो नहीं बना सकते, ठीक है, बट अभी इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उससे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो, नहीं बनाए तो ही कर सकते हैं, उसके बाद में देखोगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन, ठीक है। ये मल्टी लाइन हो गया, पॉली लाइन देखो, पॉली लाइन क्या है, लाइन की तरह ही है, सिर्फ फ़ायदा क्या है कि वो एक सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कई जगह काम में आता है, जैसे अभी अपन को पाथ एरे करना है तो लाइन की जगह अपने पॉली लाइन काम आएगी, ठीक है ना। हाँ उसमें भी डिस्टेंस डाल के बना सकते हैं, नहीं लाइन में तो क्या होगा, वो सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, अभी देखो कई ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें अपन को जैसे थोड़ा बहुत थिकनेस दिखाना होता है 10-15-20, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, ऑफसेट कमांड लिए, ठीक है, मान लो दो थिकनेस लिए मैंने, ऑफसेट लिया मैंने दो का, ठीक है, ये इस तरह से थिकनेस दिखा दी अपन ने, बट अब इनको सबको अपन को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो टाइम लगेगा, इसको इधर ट्रिम भी करना पड़ेगा, और इनको एक्सटेंड करके मिलाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे देखो, अपन ये चीज पॉली लाइन से बनाएंगे, या तो वही लाइन कमांड ही, ठीक है, बट फर्क क्या है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट, अब इसका जब ऑफसेट करेंगे ठीक है, कुछ भी ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपन अभी ये सर्कल का या रेक्टेंगल का ऑफसेट करते हैं तो ऐसा ही होता है ना, डायरेक्ट बना हुआ आता है सब, ये रेक्टेंगल ये भी एक तरह से पॉली लाइन ही है, जब यहाँ जाओगे तो रेक्टेंगल नहीं दिखाएगा, क्या दिखा रहा है, पॉली लाइन, पॉली लाइन ही मानता है, ठीक है। इसको अभी ऑफसेट करेंगे अगर अपन, तो ये भी तो ऐसा ही हो रहा है, ट्रिम नहीं करना पड़ रहा, वही चीज़ इसका फायदा हो गया अपन, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि ऑटोकैड कमांड में आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मांगेगा, कई बार तो वो दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो मांगेगा, लेकिन कई बार वो सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट ही मांगेगा, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, उसको पॉली लाइन से बना सकते हो, ठीक है, ये फ़ायदा उसका मेन, पॉली लाइन कमांड ली फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल लाइन कमांड की तरह चले। और देखो इसमें क्या ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट देने के बाद आएंगे, आर्क बनानी है, हाफ फिट देनी है, लेंथ देनी है, क्या देनी है, ठीक है। हाफ आर्क बनानी है तो क्या हुआ, जैसे कि सपोज़ ये बनाया, ठीक है, अब मुझे 10 डिस्टेंस में लेनी है, बट 10 डिस्टेंस ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है, तो सीधा आर्क वाला ऑप्शन ले लो, ठीक है, अब आर्क, ठीक है, ये 10 लिखी वैल्यू मैंने, ये आर्क बन गया, फिर से आर्क चल रहा है, लाइन चाहिए वापस, ठीक है, वापस क्या करूँ, लाइन का ऑप्शन, बराबर बनाना, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अभी जैसे मेरे को इसके बराबर ही बनाना सपोज, ठीक है, तो अपन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर,
काम करो देते हो चिप्स में, बताया ठीक है। अब अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो भी लाइन यहीं तक बनेगी क्योंकि एक पॉइंट दिख रहा है उसमें, ठीक है ये बन गए। बट हम इसे स्टार्ट या एंड पॉइंट पे क्लिक नहीं कर सकते। हाँ देखो इसका क्या है, इसकी हेल्प ले सकते हो, ये यहाँ तक बनाना है ऑब्जेक्शन। अब देखो वापस आ गया आर्क में, वही रेडियस रेडियस के ऑप्शन भी आ रहे हैं, किधर बनाने है, डायरेक्शन डायरेक्शन अपन ने देखा था ना, वही वाले सारे ऑप्शन है, ठीक है। आर्क का सेकंड पॉइंट का रखाना सारी चीज़ें, ठीक है बन गया। उसका फ़ायदा क्या है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसी को अपन को अगर ऑफसेट मारना है तो अपन इजीली मार सकते हैं। अभी ये लाइन सर्किल से बना होता तो बहुत कुछ ट्रिम करना पड़ता, ठीक है। शॉर्टकट इसका पी एल एंटर होता है। फर्स्ट पॉइंट दिया दोबारा हाफ फिट, हाफ फिट क्या जैसे सपोज अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो अपन लाइन में लाइन वेट दे सकते हैं उसको थिकनेस दिखानी है तो, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही अगर अपन को वेट दिखाना है ठीक है तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं विड्थ का, ठीक है। हाफ फिट कुछ नहीं है, जितने डालोगे उससे डबल बनेगा, ठीक है। और इससे बढ़िया कि ज़्यादा डायरेक्ट विड्थ में जाके विड्थ डालो, ठीक है। अगर इसमें मैं दो डालूंगा तो चार चार दिखेगा, तो मैं डायरेक्ट विड्थ में चार डालूंगा, ठीक है। इसमें फ़ायदा एक और क्या है, अभी अगर लाइन वेट अपन देते हैं तो पूरी लाइन में सेम विड्थ रहेगी, ठीक है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अलग और एंड में अलग विड्थ भी दे सकते हैं। देखो विड्थ में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग सपोज मैंने दी जैसे मान लो ये, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एंडिंग, ठीक है। एंड में सपोज मैंने दी दो, तो इस तरह से, ठीक है। स्टार्ट में एक रहेगी, एंड में दो रहेगी, जितनी बड़ी लाइन तुमको करनी है कर लो, यहाँ शुरू में एक रहेगी एंड में दो रहेगी, ठीक। एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद अब स्टार्टिंग में भी दो और एंड में भी दो ही रहेगी, वापस चेंज करना तो वापस विड्थ में जाके, ठीक है। स्टार्टिंग में तो दो है, दो एंड में मुझे मान लो जीरो कर दिया, जीरो, ठीक है। अब जीरो चलेगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में कुछ रखनी है सपोज दो, एंड में जीरो ही करनी है वापस, ठीक है। कैसे एरो को सिंबल बना सकता हूँ इस समय, ठीक है। लेंथ का ऑप्शन देखो क्या है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। अब मेरा कर्सर ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेंथ मैंने डाली मान लो पाँच, अब एंटर करूँगा तो भी लाइन उधर ही बनी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उससे मतलब नहीं, उसको आपने फर्स्ट अभी जो प्रीवियस जो डायरेक्शन लिया उसी में काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया अभी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैंने कर्सर ऊपर कर रखा है और फिर लेंथ डाल रहा हूँ, लेंथ ऑप्शन में लेके कर्सर ऊपर करके भी लेंथ डाल रहा हूँ मैं पाँच, तो भी वो उधर ही बनाएगा, ठीक है। फिर पाँच डालूँगा लेंथ ऑप्शन लेके, एल एंटर, मैंने उसको आठ डाल दी तो अभी उधर ही बनाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे अपन, ताकि अपन को बनाने तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए अपन को, लेकिन अपन को पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे चाहिए। मैंने पाँच डाल दिया, पाँच के बाद में मैंने सपोज आठ डाल दिया, ठीक है। एक पॉइंट पाँच में मिलेगा मेरे को, फिर एक पॉइंट मेरे को आठ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ड्रॉ करना है या एंड पॉइंट लिखा हुआ जाएगा, ये आठ के बीच में एंड पॉइंट आ गया, ये पाँच के बीच में एंड पॉइंट आ गया, देखने में वो ऑब्जेक्ट एक ही, ठीक है। बट अब उनको पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हो तो ना स्ट्रेट लाइन में अपन पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉली लाइन का यूज हो गया, ठीक है। जहाँ भी सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए अपन को बोल रहा है अपने पास में ऑब्जेक्ट अलग अलग है, अब उनको दिक्कत आ रही है तो अपन वहाँ पर उसको पॉली लाइन से बना सकते हैं, थ्री डी पॉली लाइन। बस वही फ़र्क है कि ये पॉली लाइन अब जेड में नहीं जाएगी, टू डी वाली, ठीक है। थ्री डी पॉली लाइन जेड में भी जाएगी, लेकिन उसमें बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे, आर का, लेंथ का, विड्थ का, सिर्फ लाइन सिंपल लाइन, ठीक है। पॉलीगन हो गया अपना, रेक्टेंगल हो गया अपना, हेलिक्स क्या, देखो हेलिक्स एक थ्री डी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आग होती है स्प्रिंग, हाँ बस सेम रेडियस डालोगे तो सेम स्प्रिंग जैसा दिखेगा, ठीक है। सेम नहीं डालोगे तो थोड़ा एरियल शेप में दिखाई देगा। ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की होता है। सेंटर पॉइंट दिया मैंने सपोज, ये मेरा सेंटर, ठीक है। देखो सेंटर पॉइंट देने से पहले एक ऑप्शन आ रहा था इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स कितने चाहिए, ठीक
ठीक है, वो इम्यू बनेगा। तो नंबर ऑफ टेंस आपको 10, 12, 20 जितने भी चाहिए वो डाल सकते हो। सपोज मेरे को ज़्यादा करना है, मैंने नंबर ऑफ टेंस 10 डाल दिए, नंबर ऑफ टेंस नहीं आ रहे ना। चलो ठीक है, इसको चेक कर दो। सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया, कितना पूछ रहा है स्क्वायर रेडियस, कितने रेडियस डालनी है, 5 रेडियस डाल दो। ठीक है, टॉप रेडियस ये तो हो गई, अंदर वाली भी ये 5 हो गई। बाहर की कितनी करनी है, अंदर वाली तो 5 फिक्स हो गई देखो। ठीक है, बाहर वाली कितनी करनी है, मान लो जैसे मेरे को स्प्रिंग शेप में चाहिए, तो नीचे वाला और सर्किल और ऊपर वाला सर्किल सेम रेडियस का ही होगा। हाँ, उसमें तो मैंने सपोज आउटर रेडियस भी कितने डाल दी, 5 ही डाल दी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट, हाइट कितनी करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने, तो टर्न्स में जाके बढ़ा सकते हैं। 3 थे, 3 की जगह मैंने 10 कर दिए। ठीक है, अब हाइट पूछ रहा है, हाइट अपन को यहाँ तो दिखेगी नहीं टॉप व्यू में। हाँ ठीक है, सपोज मैंने हाइट डाल दी 20। ठीक है, अब उसको 3D में देखो तो इस तरह से दिखे। ठीक है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट थी, पाथ एरे हो सकता है, इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर, हेलिक्स हो गया, आर्क हो गया, सर्कल हो गया, डोनट। डोनट देखो कोई काम की चीज़ नहीं है क्या, डोनट ऐसा है एक दो सर्किल बनेंगे इसमें। ठीक है, दोनों की रेडियस आपको बतानी पड़ेगी, और ये जो बीच का पोर्शन है वो आपका भरा हुआ होगा सॉलिड। ठीक है, हैचिंग होगी इसके अंदर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका होता है D2 होता है, दोनों D2 हेलिक्स का नहीं है, हेलिक्स का नहीं है, दोनों का डी लाइन का लिख लेना PL। फिर आपका हेलिक्स, हेलिक्स का कोई नहीं, हेलिक्स का भी है, देखो DO एंटर किया, सबसे बोले पूछा इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। ठीक है, अंदर वाले का डायमीटर, ठीक है, मान लो मैं अंदर वाला 6 डायमीटर का चाहिए, 6 डायमीटर, हाँ डायमीटर ही मांगेगा। आउटसाइड डायमीटर, बाहर वाले का डायमीटर मान लो मेरे को 8 चाहिए, 8 लिख दिए, आ गया। ठीक है, ये फिक्स है, ये 6 रेडियस और 6 डायमीटर का, और वो 8 डायमीटर, जहाँ भी बनाना है वहाँ पे क्लिक करते ही हैचिंग वर्क किया हुआ आएगा, फिर ऐसे कंटिन्यू ही रहेगा। हाँ, वो कंटिन्यू ही रहेगा, जहाँ भी बनाना है वहाँ बनाना। ठीक है, इसमें पॉइंट देखने जाओगे तो बीच में ही पॉइंट मिलेगा, इसमें जो 6 और 8 डाला तुमने उसके बीच। ठीक है, इतना उसमें 2 वेड़ आ गए और कुछ नहीं, बीच में एक सर्किल बन गया, उस सर्किल पे वेड़ आ गए। ठीक है, कोई काम की चीज़ नहीं है, फिर इतनी डोनट हो गया। स्प्लाइन, स्प्लाइन फ्री हैंड अपन को कुछ ड्रॉ करना है तो काम में लेता है। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन है तो ऐसी दिखती है, एंड जो भी तुमको बनाना है। ठीक है, जितने पॉइंट दोगे उतना ही तुम्हारे को बाद में एडिट करने में इजी होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ से यहाँ तक अभी सीधा मैंने 1 पॉइंट दिया था पहले, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट था, मेरे को बीच में यहाँ क्लिक कर दिया, तो मेरे पास क्या है कि मैं, मेरे पास फैसिलिटी है, मैं उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ, ज़्यादा जैसा मेरे को चाहिए वैसा बना सकता हूँ। बट इसमें क्या है कि 1 ही पॉइंट दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही वो स्ट्रेच होगा। ठीक है ना,
उसमें क्या होता है, जहाँ अपन क्लिक करते हैं वहीं वो वर्टेक्स आता है। जैसे सपोज क्या करा शॉर्टकट इसका एस पी है स्प्लाइन। ठीक है, ये देखो यहाँ क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ क्लिक किया, जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया इसके वर्टेक्स वहीं पर ही आ रहे हैं। ठीक है, एक होती है तुम्हारी कंट्रोल वर्टेक्स वाली, इसमें क्या होगा जहाँ अपन क्लिक करेंगे वहाँ नहीं आएगा। ठीक है, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनेगी, तो उनके अकॉर्डिंग ही वर्टेक्स भी अभी वहीं आएंगे, लेकिन इस तरह से। ठीक है, उस चेंज भी फिर उसी के अकॉर्डिंग। फ्री हैंड काम करने के लिए फिट वर्टेक्स वाली स्प्लाइन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कंट्रोल वर्टेक्स वाली से एक तरह से एवरेज वाली चीज़ हो गई है। ठीक, स्प्लाइन भी अपन जैसे पाथ वगैरह वगैरह में काम में ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये कंट्रोल वाली, हाँ ये कंट्रोल वाली, तो ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको भी तुम यूज में ले सकते हो पाथ वगैरह करने में, इसका ऑफसेट करोगे इसका, लेकिन ये बहुत सारी पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, स्प्लाइन का कभी वो करोगे तो स्प्लाइन नहीं रहेगा, तुम्हारा इलिप्स होता है, इलिप्स का भी ऑफसेट करूँगा तो ये भी इलिप्स नहीं रहता। ठीक है, सर्कल सर्कल ही रहेगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहेगा, लाइन अपनी लाइन रहेगी, लेकिन ये इलिप्स हो गया या स्प्लाइन हो गया ये चेंज हो जाता है, ये छोटी छोटी पॉली लाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना एलिप्स का या अपने स्प्लाइन का ऑफसेट नहीं मारना, स्प्लाइन का बेटर है कि आप स्प्लाइन को कॉपी कर लो। ठीक है, ये बनाया कॉपी, दो डिस्टेंस की डिस्टेंस थोड़ा बहुत अपन वैसे इसमें वर्टेक्स में चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, इससे बेटर है कि अभी इसको कॉपी करो, बाद में तुम जो भी तुमको चेंज करना है इसको सही दिखाने के चक्कर में चेंज कर सकते। ठीक है, ऑफसेट करोगे तो फिर वो पॉली लाइन बन जाएगा पूरे को। स्प्लाइन समझ में आ गया, ये और देखो पॉइंट, पॉइंट का काम आएंगे। जैसे अपन ने पाथ एरे किया था अभी, ध्यान है, उसमें मेथड आ रहे थे दो, डिवाइड और मेज। ठीक है, तो वही काम है पॉइंट का, सिंपल। अगर कहीं पे पॉइंट चाहिए पर्टिकुलर, तो पॉइंट कमांड लेके सीधा सिंगल पॉइंट। ठीक है, जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चाहिए, पॉइंट में मल्टीपल पॉइंट ले लिए, क्लिक कर दिए। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट ये काम में नहीं आएंगे, सिंगल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट काम आएगा तुम्हारे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर। पॉइंट के अंदर है वैसे तो डिवाइड और मेजर, बट ये अलग से कमांड है। देखो पॉइंट का शॉर्टकट पी ओ एंटर। ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल मल्टीपल जो अपना आ रहा था सिंगल एंड वो आ रहा है। ठीक है, सिंगल पॉइंट आ रहा है, डिवाइड या मेजर के लिए अलग से कमांड दे रही है। ऐसा नहीं है कि तुमको पॉइंट में जाके लेना पड़े। ठीक है, डिवाइड का लिख लो डी आई वी, ये काम की चीज़ है डिवाइड, डी आई वी। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इसमें मुझे मान लो आठ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मेरे को नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है, तो इक्वल पार्ट कितना होगा। ठीक,
सीधा अपन ने लिया डिवाइड कमांड डी आई वी एंड एल, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, ये के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा इसमें, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, आठ पार्ट में डिवाइड करना है, आठ लिखा मैंने और एंटर कर दिया। अब लाइन के ऊपर पॉइंट बनेगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आ तो क्या देखो है ना, क्या करेंगे पॉइंट की स्टाइल चेंज करेंगे। अभी अपन मल्टी लाइन स्टाइल चेंज करा था, कहाँ से किया था, फॉर्मेट, पॉइंट की स्टाइल भी यहीं से चेंज, पॉइंट की स्टाइल, ठीक है। अभी कैसा दिख रहा पॉइंट, ऐसा टॉप, अपन को कैसा चाहिए, तो मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। इसके एक और फायदा, जूम किया हम बड़े बड़े दिख रहे हैं, रिफ्रेश करो और ये एंटर छोटे हो जाए, ठीक है, फिर जूम कम किया अब नहीं दिख रहे, वापस रिफ्रेश कर दो, तो अभी आठ बराबर बराबर पॉइंट पे आ देखो, डिस्टेंस चेक कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 18.46 से यहाँ तक 18.46, तो ये डिवाइड हो अब जो भी पॉइंट भी बनाओगे तो वो भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ हो जाए तो यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये तो रिफ्रेश करोगे छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मेन तो यही है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे तो हर 18 के बाद में पॉइंट चाहिए, ठीक है, हर 18 डिस्टेंस के बाद में पॉइंट चाहिए, तो नेक्स्ट कमांड आती है इसके अंदर आपकी मेजर कमांड, ठीक है, शॉर्टकट लिख लो एम ई एंटर, ये पॉइंट में ये दोनों डिवाइड और मेजर, एम ई एस यू आर एस यू आर, ठीक है, एम ई एंटर, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ सेगमेंट, हर एक सेगमेंट कितना चाहिए अपन को, 18 का चाहिए, 18 लिखा, ठीक है, ये 18 जो बात में बच गया वो बच गया, ठीक है। उसमें जो डिवाइड करते थे जो आठ पार्ट में, तो यहाँ से यहाँ का ये डिवाइड में, तो डिवाइड में तो क्या कि चाहे उधर से नापू चाहे इधर से नापू, सब जगह से बराबर ही मिलेगा, ये वाला एक पार्ट, ये वाला दूसरा है, ऐसे आठ पार्ट, हाँ आठ पार्ट इस तरह से उसके अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे अभी डी आई वी एंटर किया, अभी मैं इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो पॉइंट कितना आएगा, ये क्या है, एक ही आएगा, ठीक है, वही चीज़ है, आठ में करोगे तो सात पॉइंट आएंगे, सात पॉइंट, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि उसको तो अपन फिर भी कर सकते हैं, आठ पार्ट में डिवाइड अपन ने कितने कैलकुलेशन कर लिया, कितना इतना होगा कर लिया, ठीक है, लेकिन जैसे अभी अपन को इसको करना है, इसको नहीं कर सकते ना, इसको लिए अपन डिवाइड कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है, अपन कैलकुलेशन करने बैठेगा कि क्या कहाँ कहाँ पर, ठीक है, सीधा इसमें डिवाइड कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब सेलेक्ट कर लिया इसको मान लो कि 16 पार्ट में डिवाइड कर, इधर से इक्वल 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 डिस्टेंस चलता रहे, ठीक है, ये सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का फायदा होता है। अब ये लाइन लाइन से बनाते तो नहीं कर सकते थे, ठीक है, ऐसे सर्किल को भी डिवाइड कर सकते हो, रेक्टेंगल को भी कर सकते हो, ठीक है, वो डिवाइड नहीं सकते। अब देखो एक चीज आती है मेन, अभी तक जो अपन ने नहीं पढ़ी, एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, किसी भी एंगल पर, अभी तब तो अपन सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे थे, एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ऑर्थो को तो कर देंगे बंद, ठीक है, और ऑर्थो के पास में आ रहा है पोलर, ठीक है, इसको कर देंगे और, ठीक है, अब इसको ऑन करने से मुझे क्या पता कि कितने डिग्री पर लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसके बगल में एक एरो का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करके देखो, ठीक है, तो अभी आपको 90, 180, 270, 360 डिग्री एंगल बताएगा, वो तो मुझे नहीं चाहिए, वो तो ऑर्थो से आ जाएंगे, 90 60, मुझे सपोज़ ये चाहिए 45 कहाँ आएगा, 90 कहाँ आएगा, 120 तो मैंने ये ले लिया, मुझे तो ये चाहिए 5, 10, 15, 20, 25 कहाँ आएगा, वो अभी नहीं भरा, बढ़ते हैं देखते हैं, आएगा
देता हूँ थोड़ी देर में देता हूँ, या 10, 20, 30, 40, 50 चाहिए मेरे को, ठीक है जो भी चाहिए उसमें से ले लो, ठीक है। उसमें क्या है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 10 ही दिखाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पूरा दिखाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो 22, 44, 66 ऐसा चाहिए, वो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग में चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट एंगल ये तो जो आ रहे थे वो तो अपने वहाँ देख लिए, ठीक है। ये सारे आ रहे थे 5, 10, 15, 18 मतलब 18 का मतलब 18, 36 ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए 22, ठीक है। तो इसको हटा के यहाँ पर 22 लिखा, ठीक है, ओके। अब इसमें 22 यहाँ से उसमें नहीं दिख रहा, चलो यहाँ देखते हैं। लाइन कमांड ली, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। अब देखो 0 डिग्री हमेशा दिखाएगा, चाहे कितना ही कोई सा एंगल ले लो 0 डिग्री भी दिखाएगा। अब 0 से मैं ऊपर चला, कुछ भी नहीं दिखा रहा अभी, ठीक। मान लो 22 डिग्री पे 30 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। कर्सर हिलना नहीं चाहिए, ग्रीन लाइन आनी चाहिए, ठीक है। जब ग्रीन लाइन आ रही हो तब 30 लिख के और एंड, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे मान लो 22, 22, 22 की मुझे सारे चाहिए, तो मैंने 22 ले लिया। अब मान लो कि 22, 44 ऐसा आएगा, लेकिन बीच में मेरे को एक और चाहिए 35, ठीक है, वो पूरा नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ एक 35 ही चाहिए, ठीक है। तो ओपन किया, इसकी सेटिंग में गए, यहाँ पर आता एडिशनल एंगल, ठीक है, एडिशनल एंगल पर टिक करो। कुछ नई वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि पुरानी तो कोई है नहीं, न्यू में गए और न्यू में मैंने 35 लिख दी, ठीक है, ओके। देखो 0 आ रहा है, ऊपर चले 22 आया, फिर ऊपर चले 35, ठीक है, फिर 44 आ गया, फिर 66 आ गया, अब 70 नहीं आए, ठीक है, 35 एक ही बार आए। अब मान लो मुझे वो 35 नहीं चाहिए, वापस से इसकी सेटिंग में गए और इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस ऑफ कर दो, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 22 सीधा 44, ठीक है, क्लियर, ओके। ये तुम्हारा एंगल के लिए है ना, और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो, जिस पॉइंट से ड्रॉ करना है तुम्हारे को, जैसे इस पॉइंट से मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, एट द रेट लगाओ, ठीक है, जितने की तुम्हारे को लाइन ड्रॉ करनी है वो लाइन एंगल लिखो पहले, सॉरी लेंथ लिखो, ठीक है, 30 की लाइन ड्रॉ करनी है तो 30 लिखो, फिर एंगल का सिंबल लगाओ, ठीक है, और जितना एंगल देना है, जैसे मान लो 23 एंगल देना है तो 23 लिख के, ठीक है, ऐसे बताओ। लेकिन ये भी ध्यान रखना ये सब हमेशा 0 डिग्री से काउंट हुआ होगा, वजह से ऑन करोगे और तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और तो वजह से ऑन करोगे वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक चीज़ तो हो नहीं सकते, साथ में काम तो कर नहीं सकते, इसलिए एक को ऑफ करोगे एक ऑन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों को ऑफ कर दोगे तो ऐसा नहीं कि दोनों से एक ऑन होना जरूरी है, कॉलर में वो ऑप्शन 90, 180, हाँ, तो वो भी औरतों के लिए ही होगा, हाँ, वो भी एक तरह से औरतों ही हो गया, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ले लेंगे, उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे एंगल के लिए। ठीक है, काफ़ी आज के लिए।